Hello my dear students, today we are going to discuss a very important topic of your English grammar, that is possessive pronouns and possessive adjectives. Before we discuss about the chapter, let us just know the meaning of these words. Possessive word actually comes from the possession, it means adhikar. Pronoun, all of you are already aware that the word which comes at the place of noun, जो noun की जगह आ जाता है उसे हम pronoun कहते हैं. Again possessive अधिकार, या फिर उसका जो वर्चस्व है वो दिखाना है किस पे, adjectives यानी the words which describes you, qualities or extra information about the noun. Adjectives basically comes or use होते हैं सिर्फ noun के लिए. डोंट गेट कन्फ्यूज बाई सीइंग द वर्ब और एनी अदर वर्ड. तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. देर आर थ्री डिफरेंट सेंटेंसेज, इफ यू कैन सी इट वेरी केयरफुली. दिस इज आजिम्स कार, वेरी क्लियर टू एवरी वन. यह कार किसकी है? आजिम की है. आजिम एपोस्ट्रॉफी एस है, यानी आजिम की कार है. तो यहाँ आजिम जो है वो हमारा मेन नाउन है, यानी वही हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये कार जो है वो आजिम की है. But if you read the second sentence, this is his car. तो अब his किसके लिए use हो रहा है? अमिताभ बच्चन के लिए? नहीं. किसके लिए use हो रहा है? आजिम के लिए. Because we are aware that आजिम जो है it's a male, so obviously male के लिए हम जो pronoun use करते हैं that is he या his. अब ये beginning में कहीं पे भी आजिम's car is this, then हम लोग use करते his car is this. So उसी तरह से जैसे he, his जो है वो according to your sentences आप pronoun use करते हैं. So this is his car, it means this is Azim's car. तो जो his है, जो पहले second sentence में है, वो आपका pronoun की तरह use हो रहा है. Now if you can see the third sentence, this car is his. यह car उसकी है. Again his एक pronoun है, हम सबको पता है. अब हम इन्हें differentiate कैसे करेंगे कि कौन सा जो है possessive pronoun है, कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव है. तो बेसिकली आप लोग को दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. अगर आपका प्रोनाउन यानी ही, हिज, हर, माइन, आवर्स, देयर्स, इट्स, अगर ये वर्ड आपको एडजेक्टिव की जगह पे बैठ जाते हैं, यानी अगर वो नाउन से ठीक बाद में आए, या फिर आपको उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद नाउन के बारे में कुछ समझ में आए, तो वो आपका बन जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव्स. फॉर मोर डिस्क्रिप्शन लेट्स गो अहेड. हम लोग सेकेंड सेंटेंस को, बिकॉज योर फर्स्ट सेंटेंस इज वेरी मच क्लियर, सेकेंड सेंटेंस को ध्यान से देखिए. दिस इज हिज कार. नाउ इफ यू कैन सी इट वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स, अगर मैं हिज यहाँ नहीं यूज करूँ, दिस इज कार, यह कार है. हिज लगने से क्या पता चला हमें? कि यह उसकी कार है. तो कार के लिए जो उसका एडजेक्टिव है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कार इज आवर नाउन हेयर, जो हमारा नाउन है वो है कार, सब्जेक्ट है वो हमारा, लेकिन ये कार किसकी है? हिज की है. तो हिज जो है वहाँ यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव. क्लियर है सबको? ओके, लेट्स सी द थर्ड सेंटेंस. दिस कार इज हिज. अगेन अगर मैं हिज को ना देखूँ, दिस कार इज यानी यह कार है. His word लगने से क्या पता चल रहा है? उसकी, यह कार है उसकी, यानी जो last word है वो आपको एक emphasis show कर रहा है, यानी वो एक दबाव दे रहा है इस sentence के ऊपर कि यह कार है किसकी? उसकी. तो mostly आपके जो pronouns हैं अगर वो आपके sentence के end में आए, जैसे his, ours, theirs, yours, ये आपके sentence के end में आए, किसी भी एक वाक्य के अंत में आए, तो आपको उसको देख के ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे आपका पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है. यानी प्रोनाउन कम्स एट द एंड मोस्टली टू शो पोजेशन. इस कार के ऊपर अधिकार किसका है? उसका है, ये दिखाने के लिए ये लास्ट में आता है. सो दीज आर द थ्री मेन टॉपिक्स विच, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस, देन दिस होल चैप्टर इज़ वेरी ईजी फॉर यू. अगर आपको ये सारा चैप्टर ध्यान से समझ में आ गया है, तो बाकी आपको पूरे चैप्टर को समझने के लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी. एक सिर्फ आपको एक चैप्टर में, हम लोग को आपकी बुक में एक टेबल को ध्यान करना है. दिस इज़ योर टेबल, दीज आर योर पर्सनल प्रोनाउंस, आई, वी, यू, ही, शी, दे,
इट, आवर, दीज आर योर पर्सनल प्रोनाउंस। अब जब पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल एडजेक्टिव की पजेसिव एडजेक्टिव की जगह पे आता है तो उसमें जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, आई का हो जाता है माई, वी आवर, यू योर, ही हिज, और वो पजेसिव प्रोनाउन की जगह पे जाता है तो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, इस तरह से आता है। यू कैन जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपीज ऑल्सो, अगर आप लोग ध्यान से इनको देखोगे अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देर आर टू और थ्री मोर, होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन दिस। ओके, अगर आप ही की बुक में से हम लोग इसको बात करें तो आपके इतने और आपकी बुक में दे रखे हैं, इन्हें भी आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। शी, इट, देयर, एंड व्हेन शी चेंजेस इनटू योर पोजेसिव एडजेक्टिव इट चेंजेस इनटू हर, और प्रोनाउंस में आता है तो हर्स, मोस्टली एस एट द एंड आता है, सिर्फ एक ही का केस ऐसा है जिसमें ही का हिज ही रहा है। इट, इट्स, इट्स, दे, यहाँ पे आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चे, ये दे है, दे चेंजेस इनटू देयर एंड देयर्स, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो होप इफ दिस टॉपिक इज क्लियर इन योर माइंड देन यू कैन ईजिली मेक योर एक्सरसाइजेस। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन सेंड मी अ मैसेज और यू कैन कॉल मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।